खरगोन 17 फरवरी 2020 प्रदेश के कृषि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सचिन सुभाष यादव ने सोमवार को 3,17,41,000 रुपए की लागत से बने कसरावत एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण और 19,06,88,000 की लागत से बनने वाली कई नवीन सड़कों का भूमि पूजन किया। इसके अलावा 2,91,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले कृषि अभियांत्रिकी कौशल विकास केंद्र के नवीन भवन निर्माण का भी भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि अभी काम करने के पूरे 4 साल बाकी है। पहले 1 वर्ष में ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, फिर भी ऐसे कार्य किए गए हैं जो अब तक ऐतिहासिक साबित हुए हैं। उनमें फसल ऋण के अलावा अतिवृष्टि से प्रभावित हुई फसलों की राहत राशि प्रदान करना मुख्य है। वही जन कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह की राशि बढ़ाई गई तथा इंदिरा गृह ज्योति योजना और इंदिरा किसान ज्योति योजना के तहत 100 रुपये में बिजली प्रदाय की जा रही है। कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि खरीफ की फसल अत्यधिक वर्षा से प्रभावित हुई है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। किसे हो जाओ जगह बनाओ पीछे पीछे से कार्यालय का लोकार्पण करने का काम हमने उसका उद्घाटन करने का काम आज सभी साथियों के साथ करा है। और ये जो कार्यालय है इसको हम हमारे इस तहसील के सभी लोगों को ये समर्पित करना चाहते हैं और निश्चित रूप से समय की मांग के अनुसार ये आधुनिक और सर्व सुविधाएं ये भवन का निर्माण हमने करा है और यही आशा उम्मीद रहेगी कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं हमारी सरकार की मंशा और भावना के अनुसार हमारे जो हमारी जो जनता है जनता तक माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उस सोच के अनुसार उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का काम करें और लोगों को यथाशीघ्र और हर संभव मदद देने का काम करेंगे और न्यायोचित फैसला उन्होंने देने का काम करेंगे। जैसा कि सर सबसे युवा कृषि मंत्री हमको इस वक्त मिले हैं तो क्या कोई कृषि में नए प्रयोग किए जा रहे हैं? जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि अभी चिली फेस्टिवल भी रख रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बताएंगे। देखिए निश्चित रूप से जो है आज हमारे प्रदेश में अपार संभावना है और जब कृषि के क्षेत्र की बात करें तो ऐसे कई उत्पाद हैं कई ऐसी हमारी फसलें हैं जिसकी गुणवत्ता के कारण जो है न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश प्रदेश में जो है उनकी मांग है और हम लोग और हमारी सरकार का ये प्रयास है कि हम ऐसे तमाम उत्पादों को हम चयनित करें तमाम ऐसी फसलों को हम चयनित करें और उसकी ब्रांडिंग करके हम उसको सही बाजार सही मार्केट सही मूल्य दिलाने का काम करें जिसके कारण हमारे जो किसान साथी हैं उन किसान साथियों को भी जो है इसका लाभ। लोग आप में सुभाष यादव की छवि देखते हैं और हर बार ये कहा जाता है कि यार अब जूनियर सुभाष यादव को देख रहे हैं तो आप किसानों की बहुत उम्मीदें हैं आपसे लगी भी हैं तो और इस क्षेत्र के किसानों के बारे जो राहत राशि है वो पूरी तरह से वितरित हो गई है कुछ लोगों में अभी भी संयस क्या है इसके बारे में देखिए अभी पिछले दिनों जो अतिवर्षा हुई थी उसमें हमारे प्रदेश के काफी हिस्सों में जो हमारे किसान साथियों की फसलें प्रभावित हुई थी और हमारा जो सरकारी आमदा है उसने उस संकट के दौर में हमारे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत काफ़ी परिश्रम किया और सभी
किसानों को काफ़ी प्रेम हुआ, उसका ठीक से मूल्यांकन हुआ और मैं समझता हूँ कि हमारी जो कसरावत तहसील है, कसरावत तहसील में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर मुआवजा देने का काम अगर प्रेम हुआ हमारे यहाँ पर हुआ है। और विपरीत परिस्थितियों में हमने केंद्र सरकार से लगभग 6,500 करोड़ की मांग करी थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि आज प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार है और इसीलिए लगातार हमारे साथ में जो है हमारी सरकार के साथ मंत्रालय व्यवहार कर रहा है हो रहा है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमने प्रदेश के किसान साथियों के आंसू पोंछने का काम किया और संकट के दौर में जो है उनको संकट से उभारने का काम हमने हमारी सरकार। कौशल विकास का भी आपने शुभारंभ किया, तो इस क्षेत्र में इसके बारे में बताएंगे कि क्या संभावना है इस क्षेत्र को कौशल विकास से? लेकिन निश्चित रूप से आज हमारा किसान है, हमारे किसान का बेटा है और आज हमारे कृषि के क्षेत्र में जो रोज नई तकनीकें आ रही हैं, उन तकनीकों की जानकारी, उसके रख रखाव के बारे में जानकारी, ये सारे प्रशिक्षण जो है हम हमारे इस कौशल विकास केंद्र के माध्यम से जो है हम लोग हमारे किसान किसानों किसान के बेटों को देने का प्रयास करेंगे ताकि वो अपनी खेती को और अच्छे से कर सके और जो नई तकनीकें आ रही हैं नई तकनीकों का जो है वो अपनी खेती में उसका प्रयोग। कृषि विश्वविद्यालय की काफ़ी समय से इस क्षेत्र में है, तो क्या कृषि के क्षेत्र में और कोई एजुकेशन पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और सभी चीज़ें हम लोग जो है हमारे इस कसराव विधानसभा को सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश की सबसे उन्नत और प्रगतिशील विधानसभाओं में शुमार करने के लिए हम सभी साथी प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।